वेलकम टू फोकस पावर। आज की जो अपडेट होने वाली है सीएसआईआर की तरफ से टेक्नीशियन की वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है। तो क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन देने वाली है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं, किस किस ट्रेड के लिए वैकेंसीज निकाली गई है टेक्नीशियन की, सब डिस्कस करेंगे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले डिपार्टमेंट सीएसआईआर की तरफ से यूनिट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो कि हैदराबाद में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आज की डेट में निकाला गया है 23/11/2024। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2024। अगर आप ये नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आपको वेबसाइट दी गई है, यहाँ से आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे, 27 नवंबर 2024 से मॉर्निंग 9 बजे से आपके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन अपलीकेशन की है 26/12/2024, 26 दिसंबर तक आप इसके फॉर्म भर पाएंगे। ऑनलाइन मोड से ही आपके अपलीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, और अदर किसी मोड पर अपलीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। पोस्ट कितनी है, टेक्नीशियन पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन, 29 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, UR14, C04, ST की 1 है, OBC की 8 है, और EWS की 2 पोस्ट है। पे स्केल आपका लेवल 2 का रहने वाला है। 38,483 रुपये आपका अप्रॉक्स सैलरी स्टार्टिंग में रहने वाली है। एज लिमिट, अपर एज लिमिट 28 साल बताई गई है, जो SC ST OBC के लिए 3 साल 5 साल का जो रिलैक्सेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज यहाँ पे हो सकता है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की जो है वहाँ पे आपको एज लिमिट काउंट करी जाएगी, यानी 26 दिसंबर जब लास्ट डेट है उस दिन आपका एज काउंट किया जाएगा। तो उस दिन तक अगर आप 28 साल से कम है या 28 साल के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है। SC ST OBC हैं तो आपको 3 साल 5 साल का रिलेक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं ट्रेड वाइज कौन से ट्रेड में कितनी पोस्ट है। सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन पोस्ट में, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 5 पोस्ट है टेक्नीशियन की। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन 10वीं में आपकी 55% मार्क्स होनी चाहिए और साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा ITI आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होनी चाहिए, चाहे NCVT से हो या SCVT से हो, किसी भी ट्रेड किसी भी उसमें कोई भी सर्टिफिकेट हो आपके पास NTC ST C, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जॉब रिक्वायरमेंट में कि आपको क्या काम करना है वो देख सकते हैं। फिर आ जाता हूँ मैकेनिकल फिटर में है 3 पोस्ट, कैटेगरी वाइज यहाँ पे एक एक सीट है URSC और OBC में। सेम क्वालिफिकेशन है, 10वीं में 55% विद साइंस और ITI फिटर ट्रेड से आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 5 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन सेम है, 10वीं 55% से साइंस के साथ और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए 10 पोस्ट है, सेम ITI आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट से होनी चाहिए और 10वीं में 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। फिर मैकेनिक R&AC ट्रेड के लिए, मैकेनिक R&AC ट्रेड के लिए 3 पोस्ट है और ITI आपकी R&AC ट्रेड से होनी चाहिए और साथ में 10वीं 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल, मोटर MMV में 1 पोस्ट है UR कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए और ITI सर्टिफिकेट आपका मोटर मैकेनिक व्हीकल में होना चाहिए, मैकेनिक मोटर व्हीकल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 10वीं में आपके 55% मार्क्स आने चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। फिर है ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन सिविल में 2 पोस्ट है UR और OBC और सेम क्वालिफिकेशन, ड्राफ्टमैन से आपकी ITI होनी चाहिए, ड्राफ्टमैन सिविल से ITI और 10वीं में 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो इतनी ट्रेड वालों के लिए यहाँ पे टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपको यहाँ पे बताया गया। अब आ जाते हैं जो फीस का क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है और एज लिमिट क्या रहने वाली है, उस पर आ जाते हैं। तो एज लिमिट में पहले बता चुके हैं, जो अपर एज लिमिट है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 28 साल है, बाकी 5 साल SC ST के लिए, 3 साल OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगी। बाकी आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को डिटेल में जरूर पढ़ें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे वीडियो में, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर आ जाते हैं फीस पे कितनी रहने वाली, तो फीस यहाँ पे काफ़ी रखी गई है और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, एग्जाम बाद में होगा, ट्रेड टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेगा उसको ही आपको रिटर्न एग्जाम में बिठाया जाएगा। रिटर्न एग्जाम भी आपका 3 तरीके से होने वाला है, 3 पेपर आपके रिटर्न एग्जामिनेशन में होने वाला है, जिसमें कि फर्स्ट पेपर जो है इसमें आप 150 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके पास क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये टोटल आपका क्वेश्चन रहेगा और पार्ट्स में क्वेश्चन बने रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन रहेंगे मेंटल एबिलिटी से 100 मार्क्स के, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, क्वालिफाइंग आपका ये सब्जेक्ट रहने वाला है। फिर आ जाता है पेपर सेकंड, पेपर सेकंड में जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 25, इनमें भी वन नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, तो एक एक नंबर की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है सेकंड पेपर में। अब दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर है, इसके अलावा जब आप क्वालिफाई कर पाएंगे तब आपका थर्ड पेपर जो जिस ट्रेड से आपने अप्लाई करा है उस ट्रेड से संबंधित 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें एक नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी और जो सही आंसर होगा उसका 3 नंबर आपको दिया जाएगा। तो जब तक आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर क्वालिफाई नहीं होगा तो आपका थर्ड थर्ड पार्ट जिससे मेरिट बनेगी उससे चेक नहीं होगी कॉपी। तो इस तरीके से बताया गया अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, वेबसाइट आपको ये दी रखी है, इसके करियर सेक्शन पे जाके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म का अप्लाई का लिंक भी आपको 27 तारीख से यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 27/11/2024 से मॉर्निंग में 9 बजे से शुरू हो जाएगा और 26 दिसंबर तक आप इसके फॉर्म भर पाएंगे। और पेमेंट कैसे करनी है, आपको 500 रुपीज़ की पेमेंट होगी, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे SBI कलेक्ट का यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस लिंक को कॉपी करेंगे आप। उसके बाद आपको फॉलो करना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाकर तेलंगाना, तेलंगाना के बाद इंस्टीट्यूट का नाम सर्च करना, फिर अप्लीकेशन फीस और रिक्रूटमेंट पर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे वैसे आप पेमेंट कर पाएंगे। बाकी SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी यहाँ पे फीस नहीं है, और CSIR के एम्प्लॉय हैं या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं इनके लिए कोई फीस नहीं, यानी UR OBC और EWS इन तीनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट केवल 500 रुपये फीस यहाँ पे देनी है। तो ये आपका फीस का क्राइटेरिया रहने वाला है। तो ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन, जो 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 भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। बाकी अगर आप किसी भी कोटा को क्लेम करते हैं या रिजर्वेशन क्लेम करते हैं तो उसका जो फॉर्मेट है किस तरीके से रहेगा वो सारे यहाँ पे अटैच किए गए हैं 35 पेजेस की नोटिफिकेशन की वीडियो पे, उसमें आप देख सकते हैं PWD क्लेम कर रहे हैं या EWS क्लेम कर रहे हैं तो किस फॉर्मेट में आपके सर्टिफिकेट बने होंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट, इसी तरह की जॉब अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।